بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين Dear first year students, today we are going to start our next lecture on the topic of characteristics of enzymes and the mechanism of enzyme action. First year के अजीज तुलबा, आज हम बात करेंगे enzymes के characteristics यानी इनके functions या इनकी खसूसियात क्या हैं और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन से क्या मुराद है. तो हमारे की पॉइंट्स में एंजाइम्स के करैक्टर्स होंगे और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम बात करेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और इसी तरह से लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल पर. सो द फर्स्ट कंटेंट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. The first character is all enzymes are actually the three-dimensional globular proteins because the enzymes are formed by the polypeptide chains and these polypeptide chains by coiling and folding gets the three-dimensional globular conformation. Secondly, the some enzymes require a cofactor for proper functioning and small amount of an enzymes can transform a large amount of substrate into products because the enzymes are used again and again. And the fourth character is one enzyme can perform only one specific reactions because enzymes are very specific in their action, so one enzyme can perform only a single group of chemical reactions. अजीज तुलबा, अगर देखें तो एंजाइम्स को हम कहते हैं ये थ्री डाइमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की लंबाई चौड़ाई और मोटाई के अंदर कोइलिंग और फोल्डिंग से पैदा हुए हैं और इसी तरह से तमाम एंजाइम्स अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसी ना किसी कोफैक्टर की ज़रूरत होती है और एंजाइम्स की थोड़ी मकदार ज़्यादा मकदार में मौजूद सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में बदल सकती हैं क्योंकि एंजाइम्स बार बार इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं तो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, खर्च नहीं होते, बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं. और इसी तरह से हम कहते हैं एक एंजाइम एक ख़ास किस्म के ही बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. तो इस तरह से हम कहते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस. एंड द फिफ्थ करैक्टर इज एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस मींस इफ देयर चेंज इन द टेम्परेचर आर चेंज इन द पीएच एंजाइम्स कैन बी डिनेचर्ड सो देयर कैटालिटिक एक्टिविटी विल बी स्टॉप्ड. एंड at the sixth point enzymes lowers the activation energy and the activation energy is the minimum amount of energy that is required to start a chemical reaction. enzymes ko agar dekha jaye to wo sensitive hote hain apne environment mein aane wali changes mein jaise ki physical aur physiological changes hai. agar temperature bahut zyada badh jaye to enzyme denature ho jate hain aur isi tarah se ph mein tabdili ke zariye se bhi ya aur physiological conditions mein tabdiliyon se bhi enzymes ke kaam karne ki raftaar mutasir hoti hai. aur isi tarah se dekha jaye to enzymes activation energy ko kam karne ka zariya bhi hote hain और एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं वो कम से कम एनर्जी की मकदार जिससे कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है. एंड द सेवंथ करैक्टर ऑफ एंजाइम द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. एंड एट एट्थ पॉइंट एंजाइम्स दैट आर वर्किंग इनसाइड द सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड द एंजाइम्स दैट वर्क आउटसाइड ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स. अजीज तुलबा, अगर देखा जाए तो एंजाइम्स की मौजूदगी से जो प्रोडक्ट्स पैदा होंगे उन प्रोडक्ट्स की केमिकल नेचर पर उन प्रोडक्ट्स की नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और इसी तरह से देखा जाए तो वो एंजाइम्स जो सेल्स के अंदर काम करते हैं उन्हें इंट्रासेलुलर एंजाइम्स का नाम देते हैं और वो एंजाइम जो सेल्स से बाहर काम करते हैं इन्हें एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स का नाम दिया जाता है. तो इस तरह से ये आठ करैक्टर्स हैं एंजाइम्स के. नेक्स्ट इज़ द ईएस कॉम्प्लेक्स.
enzyme substrate complex formation. The ability of an enzyme to perform a reaction is called catalysis. यानी एंजाइम्स की जो काम करने की सलाहियत है वो कैटालिसिस कहलाता है. और हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंजाइम्स मेटाबॉलिक पाथवेज क्रिएट्स करते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स और लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. इन द मेटाबॉलिक पाथवेज एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. If the initial substrate accelerate the final enzyme, it is called precursor activation. And if the final product stops the initial enzymes, it is called feedback inhibition. उसी तुलबा अगर देखा जाए तो जो metabolic pathways हैं, अगर उन metabolic pathways में हम देखते हैं कि reaction अपने start पर हो यानी आगाज पर हो तो ऐसी सूरत में initial substrates की मकदार ज़्यादा होती है. जैसा कि इनिशियल सबस्ट्रेट की मकदार ज़्यादा होगी तो रिएक्शन के आगाज़ पर इनिशियल सबस्ट्रेट फाइनल एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जिसे प्रीकर्सर एक्टिवेशन कहते हैं. और जब रिएक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचता है तो ऐसी सूरत में प्रोडक्ट्स की मकदार बढ़ जाती है और रिएक्टेंट्स यानी सबस्ट्रेट्स की मकदार कम होती है. तो कसीर मकदार के प्रोडक्ट्स पहले एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करते हैं. इसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं. इसको हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि देखें अगर हमारे पास एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें कोई सबस्ट्रेट ए बी में कन्वर्ट होता है तो ई वन एंजाइम्स के लिए बी इज़ अ प्रोडक्ट. इन द सिमिलर वे बी इज़ द सबस्ट्रेट फॉर ई टू एंजाइम्स एंड सो ऑन. अगर देखा जाए तो इस मेटाबॉलिक पाथवे में ए हमारा पहला सबस्ट्रेट है और एफ हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. और रिएक्शन के आगाज़ पर हम देखेंगे इनिशियल सबस्ट्रेट की मकदार ज़्यादा होती है तो ऐसी सूरत में जैसे कि ये डाउनवर्ड एरो से दिखाया गया है इनिशियल सबस्ट्रेट की ज़्यादा मकदार एक्टिवेट करती है E5 यानी फाइनल एंजाइम्स को तो रिएक्शन एक्सेलरेट होता है. इसलिए इसको कहा जाता है प्रीकर्सर एक्टिवेशन. और इसी तरह से जब ये रिएक्शन अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट्स की मकदार ज़्यादा होगी इनिशियल सबस्ट्रेट की निस्बत से. तो ऐसी सूरत में कसीर मकदार के फाइनल प्रोडक्ट्स E1 एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो इस तरह से ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और रुक जाता है. तो इस तरह से हम इसे कहते हैं इट इज़ कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन. So in the metabolic pathways, enzymes work in the specific order by the arrangement of the substrate into products. In metabolic pathways में जो कोई enzyme किसी एक substrate को product में बदलता है तो वो product किसी तीसरे enzyme के लिए substrate के तौर पर work करता है जो उसको एक नए products में बदल देता है. जैसे कि E1 ने A को B में कन्वर्ट किया और B ने इसी को इस सबस्ट्रेट B को C में कन्वर्ट कर दिया और इसी तरह से C से D और D से E और फाइनल प्रोडक्ट तक F जो है वो बनता है 5 डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से. तो इसे हम मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सेल्स या उनकी बॉडीज़ के अंदर चलते हैं. And the next one is the lock and key model. It is very important short question. Emil Fischer in 1890 proposed this model. And according to this model, as a specific key can open only a specific lock, in the similar way, a specific enzyme can transform a specific substrate into products. And according to this model, active site is rigid structure and it act as a template. अजीज तुलबा ईमिल फिशर ने 1890 में एक मॉडल पेश किया जिसको उसने लोकेनकी मॉडल का नाम दिया. जिस तरह से हम एक ख़ास चाबी से ही एक ख़ास ताला खोल सकते हैं इसी तरह से इसने कहा कि एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में बदल सकता है. जिस तरह से उस चाबी की एक स्पेसिफिक शेप है जो उस लॉक को ओपन करने के लिए रिक्वायर है तो इस तरह से वो चाबी अगर अब उसकी शेप को बदल दिया जाए तो लॉक को ओपन नहीं कर सकती. इसीलिए इसने कहा कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है
ये एक सांचे के तौर पर काम करती है, तो इसको हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। एंड द नेक्स्ट मॉडल इज़ द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एंड दिस मॉडल इज़ प्रपोज्ड बाय द डैनियल कॉशलैंड इन 1959। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स विच इनेबल्स द एंजाइम्स टू डू कैटालिसिस। डैनियल कॉशलैंड ने 1959 में एक मॉडल पेश किया, और इस मॉडल के नज़दीक एंजाइम्स की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल और लचकदार होती है, जो कि अपने सबस्ट्रेट के एतबार से अपनी शक्ल को बदलती है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलती है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल। यानी इस मॉडल ने ज़्यादातर सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शन को बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया, तो इसको हम कहते हैं ये मोर एक्सेप्टेबल मॉडल है लोकन की मॉडल के एतबार से। सो इट इज़ द एंड ऑफ अवर लेक्चर। गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड।